राष्ट्रवादी पार्टी के गृह निर्माण मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने एक सराहनीय परियोजना को लागू करने का निश्चय लिया है। ज्ञात हो कि यह परियोजना शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे के मार्गदर्शन में राकपा युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विक्रम खामकर के नेतृत्व में शैक्षणिक सामग्री इकट्ठा कर रायगढ़ एवं रत्नागिरी जिलों के बाढ़ प्रभावित छात्रों को किट के रूप में दिए जाने के संदर्भ में लागू किया गया। इस संबंध में शैक्षणिक सामग्री एकत्रित कर ली गई और जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की जाएगी। बता दें कि राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ओर से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के जन्मदिन के अवसर पर आनंद परांजपे और विक्रम खामकर के मार्गदर्शन में कलवा अध्यक्ष दिनेश बाने ने महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के सहयोग से निश्चित महिला एवं हितगृहिणियों के लिए अनुदान वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किए। जन्मदिन के अवसर पर जगहों पे कम से कम 18 जगहों पे सामाजिक कार्यक्रम का तो उनका आदेश था बड़े कोविड के लिए कोविड काल चालू है जन्मदिन साधन नहीं करने वाले इसमें सामाजिक काम सामाजिक कार्यक्रम और वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए। अलवा मुमरा से लेकर नौसा तक हर जगहों पे 18 जगहों पे इनका इंतजाम किया गया। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से हमारे अध्यक्ष विक्रम भाई है और दिनेश बने हैं और हमारे पूरी युवक की संगठन है और अलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान जी सैद अली भाई साहब जी सभी लोगों ने सभी कार्यक्रमों का आज हिस्सा बन के उनकी जगहों पर कैंप जाते वहाँ जाके लोगों को दिया। कई जगहों पर हमने हैंडीकैप लोगों को व्हील चेयर दिया गया ऐसे ही वैक्सीनेशन सम ब्लैंकेट स्टेशनरी मोबाइल फोन जिनको पढ़ाई के लिए जो टॉपर आए उनको बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जिनके छात्र जन्मदिन के अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों में आज हमारे राष्ट्रपति युवा कांग्रेस की ओर से सभी कार्यक्रमों में आज सुबह से कल 4 तारीख से लेकर आज 5 तारीख से 2 दिन से सभी राष्ट्रपति युवा कांग्रेस के कार्यक्रम। इस अवसर पर संघर्ष की महिला अध्यक्ष रीता अवार्ड विरोधी पक्ष नेता सानू पठान और परिवहन समिति के सदस्य समीम खान द्वारा लगभग 75 महिलाओं को 18,000 से 25,000 रुपए का अनुदान दिया गया और इस दौरान छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किया गया। इस मौके पर विक्रम खामकर ने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने किसी भी हाल में उनके जन्मदिन पर फालतू खर्च नहीं करने की हिदायत दी थी जिसके बाद राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके सुझावों के पालन में शैक्षणिक सामग्री एकत्रित की है जिसमें नोटबुक किताबें पेन ऑफिस आइटम शामिल हैं। साहेबांचा आदेश होता की माझा वाढदिवस हा साधेपणाने साजरा करावा किंवा साजरा माझा वाढदिवस साजरा करू नये। आमच्या नेत्याचा वाढदिवस आहे पूरग्रस्त मुलांसाठी शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम घेऊन आणि अनेक विविध असे समाज उपयोगी कार्यक्रम घेऊन आम्ही साजरा केलेला आहे आणि त्या समाज उपयोगी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या नेत्याला सन्मानित करून गृहनिर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्डांना समस्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही हम नई खबर के साथ और आप बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जेजेवी न्यूज के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जेजेवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और जेजेवी न्यूज के फेसबुक को फॉलो करें ताकि आपको मिल सके सारी खबरों का अपडेट।